अपनी बुलेट से आज जवा पे रख के सवारी करते हैं। अभी वैसे भी सिटी आ गई है। ओह माय गॉड, गाड़ी कितनी क्लासिक है। एट हाइट तो कम है ही इसकी, लेकिन ये क्रूजर मोटरसाइकिल में पॉकेट रॉकेट है भाई। जवा पे रख, ये अंडररेटेड हो चुकी है, मतलब ओवर स्टाइल में। इससे सस्ता नशा और कुछ नहीं है। और इसका स्पीडोमीटर है ना, वो सबका यूं आता है इसका, लेकिन उल्टी साइड से आता है। स्पोर्ट्स बाइक का जैसा पिकअप है इसका। ये है वो गाड़ी, जो अभी शादी वादी मेरे इसी तरीके से बुक होती है मोस्टली। इसके बारे में शब्द कहूँ मैं कुछ, तो ये है कि ब्रेकिंग का जब ये है, और जो बोबर स्टाइल या क्रूजिंग वाली मोटरसाइकिल का सा फील है वो भाई गजब का है। और इससे ज़्यादा कंफर्ट हो चुकी है जो अभी जो न्यू अपडेटेड वर्जन है, जो भी जावा पैराग 2.0 है या फिर जो भी अभी आए हैं बोबर स्टाइल में इसके जावा के, तो काफ़ी सुधार हो चुका है। क्योंकि इसकी जो सीट है वो काफ़ी नैरो है, बाकी उनकी काफ़ी ब्रॉड है, जैसे बुलेट में देख रहे होंगे आप उसमें। और पिकअप शानदार दे रही है, अभी देखना रिस्पॉन्स इसका। ये चीज़ तो एकदम पिकअप भी शानदार है इसका। अगर आप ज़्यादा सोलो राइड ये करते हो तो जावा पैराग या ये वाला वर्जन काफ़ी कमाल का होने वाला है, बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है। और लुकिंग में काफ़ी इनहेंस है, जो ड्यूल साइलेंस आते हैं ना इसमें, भाई गजब की लगता है लुक। 50cc का इसमें अराउंड इसका इंजन आता है, जो सिंगल सिलेंडर के साथ है। और इतनी हैवी फील होती नहीं है ये। ये हैवी फील तब होगी जब आप स्टैंड पे लगाओगे इसको, आगे पीछे करोगे, जैसे कि मिट्टी में या फिर कैसे, तो थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है उस टाइम इसको। मज़ा आ गया। वो अपनी बुलेट, अभी बुलेट का लुक दिखाते हैं आपको। बहुत बड़ी लगती है भाई, बहुत लंबी और हैवी लगती है भाई बुलेट तो, ये अपने वाले 500 में। यार बिना गियर के भी न्यूट्रल में भी साइड स्टैंड लगाते हैं तो बंद हो जाती है ना। इसमें वो था गियर वाला था।